जान हाँ जान मैं तो ना बिजनेस पे धोखा देता नहीं हाँ तो क्या जान और हमारी शादी हुई है जान हाँ हुई है मैं तो ना धोखा देता नहीं शादी में और मैं दोनों बिजनेसेस में मैं तुमको धोखा नहीं दूंगा मैं कार के ना एकेडमी के बोलो सवाल पूछो बोल के दे तो ना आप सिर्फ राखी से शादी शादी किया जी पूरा बोलना हाँ मैं सिर्फ तुम्हारे से शादी किया दोबारा कभी शादी नहीं करेंगे दोबारा शादी नहीं करता। नहीं कसम हाँ तो इधर ही है छोड़ा कहू बोलो <laughs> नहीं जान बोलना कि मैं कुरान की कसम खाता हूँ हाँ मैं कुरान की कसम खा रहा हूँ सिर्फ मेरे से ही शादी जी राखी तुम्हारी बीवी जी कभी शादी नहीं करते मुझे धोखा नहीं देते यू लव मी जान यू लव मी लॉट्स ऑफ लव हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात होने वाली है राखी सावंत के हस्बैंड आदिल दुरानी के बारे में तो जो कुछ भी बीते दिनों इनकी राखी सावंत की लाइफ में चल रहा है उन सबसे तो हम वाकिफ ही हैं किस तरीके जो है वो राखी सावंत के साथ अन्याय हुआ है आ, किस तरीके से उनको मारा पीटा गया है उनके हस्बैंड के द्वारा और दो वीडियोस और वायल वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे जिसमें आ, ये आदिल दुरानी जो है वो कुरान शरीफ की कस्में खा रहा है और एक वीडियो तो ऐसी है जो कुरान शरीफ को उन लोगों ने जो है वो बेड पे रखा हुआ है और हाफ़ पैंट में आदिल दुरानी ने जो है वो कुरान शरीफ की कसम खाई है जबकि जो भी मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आ, कुरान शरीफ जो है वो आ, मतलब ऐसे ही उसकी कसम नहीं खा सकते आ, आ, आपको के साफ़ सुथरा हो के या फिर वज़ू करके जो है वो आ, कुरान शरीफ की कसम हम लोग खा सकते हैं और मतलब इतना वो आ, क्या कहते उसको इतना हॉली इतना पवित्र वो है कुरान शरीफ कि उसको बिना हम मतलब गंदे रहते हुए हम उस उसको टच भी नहीं कर सकते हैं लेकिन आजकल जो है वो कुरान शरीफ की कस्में खाना बहुत ही नॉर्मल हो गया है मैंने बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स में देखा है वीडियोस में देखा है कि हर कोई जो है वो कुरान शरीफ को उठा के हाथ में उठा के बस ऐसे ही कस्में खाने लग जाता है तो इसका भी एक तरीका होता है कुरान शरीफ को हाथ में लेने का उसकी कसम खाने का वो भी एक तरीका होता है और आदिल दुरानी ने जो कुछ भी किया है एक मुस्लिम होने के नाते जो है वो बहुत ही शर्मनाक हरकत है चलो राखी सावंत तो जो भी है वो पहले हिंदू थी हिंदू से उन्होंने क्रिश्चियन धर्म वो किया था अपनाया था और आदिल के आने के बाद वो अपना मुस्लिम धर्म उसमें कन्वर्ट हो गई थी चलो उनको इतनी नॉलेज नहीं होगी नहीं है उनको लेकिन आदिल दुरानी जो बचपन से ही आ, मुस्लिम कॉम से बिलोंग रखते हैं तो उनको तो हर चीज़ का पता है लेकिन सब पता होने के बावजूद भी उन्होंने इस तरीके की हरकत की है ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है आदिल दुरानी ने जो है वो मुसलमानों को भी बदनाम करने की कोशिश की है इस हिसाब से और आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जो है वो ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है मेरी वीडियो को जो है वो फुल वॉच किया कीजिए और ऐसी ही वीडियोज जो है वो आती रहेंगी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद